क्या करने वाले हो? मेकअप। बेबी कॉल आया था हॉस्पिटल के लैब में। व्हाट? हॉस्पिटल की व्हीकल भी गायब है सर। इसका मतलब वो मरने वाला हत्यारा नहीं था? नहीं सर, वो तो कोई सोशल वर्कर था। रॉयल हॉस्पिटल जाने में हमें कितना वक्त लगेगा? मिनिमम 1 आवर से ज्यादा लगेगा सर। तो उसके पास के सारे पुलिस स्टेशन को फोन करो और उस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बोलो। वैसे हम कब तक ये निकलने वाले हैं? अराउंड 10 बजे तक। हेलो, ओके फाइन। कौन था? डॉक्टर तुम्हारे लेटेस्ट रिपोर्ट लेकर नीचे बुला रहे हैं। मैं नीचे जाकर डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। जल्दी से सारे काम खत्म करके आ जाओ, फिर हम यहाँ से निकल चलेंगे। क्या बात है मिस्टर चेतन, कल से मुझसे बहुत प्यार वाली बातें कर रहे हो। तुम मुझे नीचे छोड़ के जा रही हो तो भी डर लग रहा है। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह मत करो। अब लग रहा है ताजमहल को डायरेक्टली देख रही हूँ। 5 मिनट में आई। तुम्हारे साथ मैं भी चलूं क्या? तुम कहीं नहीं चलोगे, यही रुकोगे। जल्दी आ जाऊंगी। नयन, आई लव यू। काफी खुश लग रही हो। इतनी आसानी से हाथ लगोगी सोचा नहीं था। एनी प्रॉब्लम? नयन आधे घंटे पहले मेरी रिपोर्ट लेके नीचे गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन अब तक वापस नहीं आई है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। उन्हें कुछ भी नहीं होगा, हॉस्पिटल के चारों ओर पुलिस है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाकर उन्हें लेके आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं, मैं लेकर आता हूँ। मुझ पर भरोसा रखो। तुम यहीं रुको, कहीं मत जाना। बहुत दर्द हो रहा है ना? फिर बोलो कि मेरी लवर को मार डालो। मार डालने के लिए बोलो। बोलो कि उसको मैं मार डालूं। मैंने बोला बोलो। नो। क्या प्यार है? ये सिर्फ भ्रम है, क्योंकि इंसान का भरोसा टूट ही जाता है। तुम उस पर भरोसा करोगे तो पागल बन जाओगे। अब बोलो मुझे कि मेरी लवर को मार डालो। बोलो 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 मुझे बोलो। उसके बदले तू मुझे मुझे मार दे, यू ब्लडी। टच किया, बहुत टच किया। देखो यहां टच किया। बदले में मैं तुम्हारे हार्ट को टच नहीं करूंगा। एक गिफ्ट देना चाहता हूं। तुम्हारे दिल को छू लेने वाला गिफ्ट, ये लो। क्यों, मेरा गिफ्ट तुम्हें पसंद नहीं आया? मैं तो तुम्हारी लवर्स के छोटे छोटे टुकड़े कट करके लाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने मुझे मौका नहीं दिया। क्या सोचा था, तुम्हारे बोले बिना मैं उसे नहीं मारूंगा? अगर मेरी बात मानी होती तो आज तुम्हारी लवर जिंदा होती। ये क्या है जानते हो? सोविनेर, स्मृति चैन। तुम्हारे लवर के गले को इसी से काटा था मैंने। काटने के बाद इस पे लगा खून तेरे कपड़ों से ही साफ करूंगा। तुम्हारी लवर का गला कितना सुंदर था और उतना ही कमजोर भी था। काटने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। मारना चाहते हो मुझे? सोचो, क्या मुझे मार सकते हो? तुम मुझे नहीं मार सकते। नहीं मार सकते क्योंकि तुम डरे हुए हो। तुम्हारा डर मरने के लिए है या तुम चाहते हो मुझे मार डालो? कम ऑन, मार दो, मार दो। नहीं मारोगे क्योंकि तुम मेरे जैसे नहीं हो, डरपोक हो। मुझे तो क्या, किसी को नहीं मार पाओगे। लूजर, यू आर ए लूजर। तुम अब तो क्या, कभी भी मुझे नहीं मार पाओगे। ऑलरेडी तुम्हारी लवर मर चुकी है, अब तुम्हें भी मार दूंगा। बताओ बता, तूने हम लोगों को टारगेट क्यों किया? बता मुझे। क्योंकि हैप्पीनेस, कोई भी मुझे खुश दिखाई देता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मार देता हूं और मारने से पहले उसकी खुशी छीन लेता हूं, उसके बाद मारता हूं। इतने दिनों से सोचता था कि मुझे मारने में ही खुशी मिलती है, लेकिन मरने में भी इतनी खुशी मिलती है। पहले मुझे पता चलता तो कब का मर जाता मैं। मैं फिर से अपनी लाइफ में तुम्हारे साथ खुश रहूंगा ये कभी सोचा ही नहीं था। थैंक गॉड। फिर भी मेरा एक डाउट है, तुम्हें उसने जिंदा कैसे छोड़ दिया? वो जब मुझे मारने आया तब उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हें मार दिया। छोड़ दो मुझे, कुछ मत करना प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा तो तुमसे ज्यादा खुशी मुझे उसके चेहरे पे दिखाई दी। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए पहले तुम्हें मारूंगा, उसकी खुशी को खत्म करना चाहता हूं। उसके बाद उसे आसानी से मार डालूंगा। सही टाइम पे भाग गए, वापस अब मिल भी गए, लेकिन अब मैंने मन बदल लिया है क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम्हें लिफ्ट में देखा था तो तुम उससे भी ज्यादा खुश लग रही थी। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए पहले उसे मारकर तुम्हारी खुशी मिटाऊंगा, बाद में तुम्हें भी मार दूंगा। मुझे मार दो, उसे कुछ मत करना प्लीज प्लीज प्लीज, चाहिए तो मुझे मार दो। जहां भी खुशियां होंगी मैं वहीं आऊंगा।